प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहाँ देखने को मिलती हैं रूटीन में थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस। पहली, स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं और इसके बीच में हम गैप छोड़ते हैं। क्यों? गर्मियों में रेलवे ट्रैक फैल जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, अगर चिपके रह गए ये और गर्म हो गए तो ये बेंड हो जाएंगे, नहीं तो फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए गैप छोड़ना जरूरी है, एक्सपेंशन की जगह छोड़नी जरूरी है। आयरन रिंग इज टू बी पुट ऑन द रिम ऑफ द कार्ट व्हील इज ऑलवेज स्लाइटर स्मॉलर डायमीटर देन ऑफ द व्हील। मतलब अगर मेरे को किसी व्हील के सर्कमफ्रेंस पे एक रिंग चढ़ाना है तो उसका जो रेडियस होगा रिंग का वो इससे छोटा होगा तो ये टाइट हो जाएगा। क्यों? अगर वो छोटा होगा मैं क्या करूँगा, उसे बहुत गर्म कर दूंगा, गर्म करके बड़ा हो गया, चढ़ा दिया इसके ऊपर, अब वो ठंडा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब चढ़ जाए उतरेगा नहीं कभी भी, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्लॉक ऑफ पेंडुलम्स आर मेड अप ऑफ इनवर। पूछा जाता है पेंडुलम क्लॉक का मतलब, जैसे वो जो पेंडुलम क्लॉक टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम क्लॉक का, 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इसकी जो जो पेंडुलम होता है उसका मटीरियल है वो एम नहीं लगा होता प्लास्टिक प्लूस्टिक, चलो घड़ियाँ आजकल आती हैं 400-500 रुपये प्लास्टिक वाला, लेकिन चलो उसका नहीं, जो बढ़िया घड़ी है वो इनवर मटीरियल की बनी होती है। रीज़न, ऐसी घड़ी की एक प्रॉब्लम है, टाइम पीरियड 2π रूट एल बाई जी, जब हो गई बहुत गर्मियाँ तो लेंथ हो जाएगी बड़ी, टाइम पीरियड 2π रूट एल बाई जी में एल बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, जब हो जाएगी बहुत ठंड तो लेंथ छोटी हो जाएगी, टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। मतलब पूरे साल गर्मी सर्दी में इसने टाइम सेम कभी सेम शो करना ही नहीं है, कभी स्लो चलेगी कभी फास्ट चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसको टेम्परेचर से ज़्यादा असर ना हो, जो ज़्यादा एक्सपैंड ही ना हो, और वो मटेरियल कौन है? इनवर। तो इनवर क्या है? हैज एक्सट्रीमली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का, दो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा करो, इट हैज अ स्मॉल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ठीक, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इसका छोटा है। जिनका अल्फा छोटा होता है वो एक्सपैंड कम होते हैं, जिनका अल्फा होता ही नहीं जीरो एक्सपैंड ही नहीं होते, तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे। नेक्स्ट है, जैम की बॉटल खोलनी है, जैम का ढक्कन खुलता नहीं है स्टील का, सर्दियों के अंदर स्पेशली बहुत सर्दी में खुलता नहीं है, जैम हो जाता है, तो क्या क्या करते हैं, गर्म पानी में उल्टा डाल दो, उबलता हुआ पानी में खुल जाएगा। क्यों? एक्सपैंड हो जाता है वो ढक्कन, एक्सपैंड हो जाएगा तो खुल, कोई भी ढक्कन ना खुले, लोहे का बना हो स्टील का बना हुआ है, गर्म पानी में डाल दो एक्सपेंशन हो जाएगी, खुल जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन है।